हरे कृष्ण, मैं हूं ज्योत्साचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे तुला राशि के जातकों के बारे में कि जो तुला राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो जो तुला राशि के जातक हैं उनके लिए आज के आपको क्या प्रगति होगी, कौन सा व्यापार करेंगे और मित्रों की से क्या लाभ मिलेगा, महिला मित्रों से क्या सहयोग मिलेगा या हानि होगी, या नए तरह के कार्य करने से आपको सफलता मिलेगी, या कोई नया कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या माइंस के फील्ड में कुछ करने वाले हैं, या पेट्रोलियम के फील्ड में कुछ नया करने वाले हैं, ये सारी बातें आज हम आपको जानकारी देंगे। आपका शुभ अंक क्या रहेगा, शुभ रंग क्या होगा, ये सब भी बताएंगे। आपको सावधानियाँ क्या बरतनी है, उपाय क्या करना है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। आप मेरे कार्यक्रम को लाइक करें और शेयर करें। आपको यदि ज्योतिष में से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी प्रश्न जानना चाहते हैं, तो आप इनबॉक्स में जाके अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके भेजें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में कि जो तुला राशि के जातक हैं उनके लिए आज कैसा रहेगा। तो जो तुला राशि के जातक हैं बहुत ही संवेदनशील होते हैं, छोटी छोटी बातें इनको बहुत हर्ट करती है और एक अच्छे मित्र होते हैं और ये हमेशा लोगों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। संबंधों को कैसे निभाया जाए, संबंधों को कैसे निर्वाह किया जाए वो कोई आपसे सीखे। और जो आपका बाह्य व्यक्तित्व होता है वो आंतरिक व्यक्तित्व होता है। यदि आज आप निर्माण के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं या कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा का आपने एग्जाम दिया है, चाहे सरकार में नौकरी के लिए या किसी कॉरपोरेट में नौकरी के लिए, तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। आज उसमें आपको अप्रत्याशित रूप से सफलता मिलते हुए दिख रही, आज आपको नौकरी मिलने की संभावना दिख रही। जो परीक्षा परिणाम आएगा वो आपके पक्ष में आएगा, उसमें आपको काफ़ी लाभ मिलते हुए दिख रहा है। और आपके विरोधी थोड़ा सक्रिय होंगे और किसी अज्ञात शत्रु को लेकर के, अज्ञात भावना को लेकर के, इनसिक्योरिटी को लेकर के मन में आपके थोड़ा सा भय हो सकता है। तो इनसिक्योरिटी से बचें और मन में पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, सकारात्मक विचारधारा जितना आपके मन में रहेगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए आप नेगेटिव बातों में न जाएं, न नेगेटिव सोचें। जितना आप सकारात्मक विचारधारा रखेंगे उतनी ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हेल्थ और वेल्थ आपके लिए काफ़ी अच्छा है और रुका हुआ धन मिलेगा। पुराने मित्रों के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। तीर्थ यात्रा का भी योग बन रहा है, देशाटन का योग बन रहा है और घर परिवार में कोई नए मेहमान, शुभ कार्य और निर्माण कार्य का भी प्रबल योग बन रहा है। यदि आप बच्चों के लिए कुछ नए तरह की प्लान कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अपने अतिंद्रिय ज्ञान की बात माने और अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए अगर कोई कार्य करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अंतरात्मा की आवाज़ को इग्नोर नहीं करना है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि जो आपका इनर सेंस अलाउ करे वो करें। उपाय क्या करना है, आज आप क्या करें कि भगवान श्री गणेश की आराधना करें, ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप करें और गरीबों को भोजन करावें। गरीब कोई व्यक्ति है तो उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी किताब, पुस्तक, फीस शुल्क की व्यवस्था कर दें तो ये बहुत ही पुनीत कार्य होगा। और आज आपके लिए शुभ अंक है 7 और शुभ रंग है नीला। हरे कृष्ण।